हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक जो आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे किसकी किसके बेसिस पे मोलारिटी मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी। क्लियर है? सो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि मोलारिटी होता क्या है, मोलारिटी होता क्या है, सबसे पहले चीज आप इसको देखो कि मोलारिटी को आप डिनोट किससे करोगे। मोलारिटी जो होगा वो डिनोटेड बाय कैपिटल एम। आपने इससे पहले पढ़ा था कि जब आप सॉल्यूशंस को एक्सप्रेस करते हो तो एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और मास बाय वॉल्यूम, इन तीनों टर्म्स में हमने सॉल्यूशंस को क्या करा था, एक्सप्रेस करा था। तो यहां पे जो आप मोलारिटी की बात करोगे तो ये उनमें से ही कोई एक टर्म्स है जिनमें हम यहाँ पे इनको एक्सप्रेस करने वाले हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे जो बात आता है हमारा वो ये आता है कि मोलारिटी होता क्या। मोलारिटी को जब आप डिफाइन करोगे तो ये होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय क्या लिखोगे यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या होगा हमारा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें होना चाहिए आपको, लीटर में होना चाहिए। तो हमने पहले बात करा था कि मोल्स होता क्या। मोल्स अगर हम यहाँ पे बात करें तो मोल्स जो है हमारा यहाँ पे वो क्या होता है हमारा, गिवन मास बाय मोलर मास। तो दैट मीन्स अपन ये भी कह सकते हैं कि जो मोलारिटी है हमारा वो क्या आपका हमारा मास बाय वॉल्यूम टर्म्स है, क्योंकि आपने जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स किया है वो मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स का मतलब क्या हो गया आपका, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट्स बाय मोलर मास, और मोलर मास सॉल्यूट्स का फिक्स होगा। आपने जो गिवन मास ले रखा है वो डिपेंड्स करता है कि डाटा क्या है। क्लियर है? तो मोल्स जो हमारे पास वो क्या होगा, गिवन मास बाय मोलर मास का रेशियो है, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको किसमें लेना है, लीटर में लेना है। तो मास बाय वॉल्यूम में हमने क्या बोला था कि मास ऑफ सॉल्यूट्स दैट कैन बी डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, और यहां पे क्या होता है हमारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स जिसको आपको किसमें लेना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये हमारा मोलारिटी जो हो जाएगा वो क्या होगा आपका, मास बाय वॉल्यूम टर्म्स हो जाए, मास बाय वॉल्यूम टर्म्स। दूसरी बात यहां पे जो आती है कि अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगी, मोलारिटी की अगर हम यूनिट देखें तो मोलारिटी का आपका कि रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल्स की यूनिट क्या होती है हमारे पास, मोली होती है, और वॉल्यूम क्या होगा आपका हमारा, लीटर में होगा। तो वी राइट मोल पर लीटर, या आप इसी को क्या बोल सकते हो, मोल लीटर इनवर्स, या इसी मोल लीटर इनवर्स को आप कैपिटल एम से डिनोट करोगे। क्लियर है बच्चों? ओके, सो कम टू द पॉइंट कि अगर आपको कहीं पे ये लिखा हो कि 1 ml सॉल्यूशन, 1 ml सॉल्यूशन, दैट मीन्स 1 ml सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा आपका कि 1 mole ऑफ सॉल्यूट्स, 1 mole ऑफ सॉल्यूट्स, जो भी सॉल्यूट्स होंगे आपके पास गिवन व्हाटसोएवर, इनका आपका हमारा इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन, इनका आपका 1 liter ऑफ सॉल्यूशन, कि आपको यहाँ पे 1 ml सॉल्यूशंस का मतलब हो गया कि 1 mole सॉल्यूट। देखो आपको मैंने यहाँ पे क्या बोला, मोलारिटी क्या आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को आप N2 से डिनोट कर सकते हो, और वॉल्यूम क्या हमारा यहाँ पे लीटर में। तो मोलारिटी क्या होता है आपका, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर आप इन दोनों को क्या लेते हो, 1 mole लेते हो, और यहाँ पे आप 1 liter लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 M आ जाएगा आपको। कहीं पे जब आपको टर्म्स यूज होता है कि 1 molar सॉल्यूशन, क्या होगा आपका 1 molar सॉल्यूशन, तो मोलर सॉल्यूशंस का मतलब ये डिस्कस किसके बारे में करना चाह रहा है आपका, मोलारिटी के बारे में डिस्कस करना चाह रहा है। क्योंकि आप देखो ना इनमें ये क्या आपका हमारा, 3 words देखो यहाँ पे, मोलारिटी होता है आपको, और यहाँ पे भी क्या आपका हमारा मोलर है। तो अब ये इसका मतलब ये होगा आपके पास कि यहां पे आपका क्या होगा कि 1 mole ऑफ सॉल्यूट इनका आपका 1 liter ऑफ क्या होगा हमारा, वाटर होगा। ठीक है, कि जो हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशंस होंगे वो किसके होंगे, आपके वाटर के होंगे। क्लियर बच्चों? सो अगर हम आगे देखें और इसके बारे में कि मोलारिटी और होता क्या क्या है, कहाँ कहाँ इनके यूजेज होते हैं, तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहला आपने देखा कि मोलारिटी जो आपका वो क्या आपका, मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
अब देखो सबसे मेन पॉइंट ये है कि कई बार आपको हो सकता है कि वॉल्यूम जो होगा वो सॉल्यूशंस का लीटर में ना देकर ये क्या दे दे आपको ml में दे दे, तो इन दैट केस क्या करोगे, तो मोलारिटी जो होगा आपका वो क्या होगा n2 by वॉल्यूम, अगर ml में है तो ऊपर क्या करोगे आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, क्यों करोगे क्योंकि वॉल्यूम जो होता है आपका हमारा वो लीटर में होता है यहाँ पे, और ये पता है आपको कि 1 लीटर क्या होगा आपका 1000 ml होगा, क्लियर है आपको। तो जब आपके पास ये ml में इसको लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए आप डिवाइड बाय 1000 करोगे, उसी डिवाइड टर्म्स को हमने ऊपर क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, इज दैट क्लियर। तो एक तो फॉर्मूला ये हो गया मोलारिटी का कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स इनटू थाउजेंड्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, लेकिन आप सपोज करो कि आपके पास जो मोलारिटी निकालने के टर्म्स में ये हो जाए कि मास दे रखा हो, कि अगर हम x सपोज करते हैं कि 4 ग्राम ऑफ एनिवर्स डिजॉल्विंग क्या आपका हमारा 400 क्या आपका हमारा ml ऑफ सॉल्यूशन, इसकी मोलारिटी कैलकुलेट करो। तो यहां पे अगर मास दे रखा है तो आप ये भी कर सकते हो कि मास से आप क्या निकाल सकते हो मोल निकाल सकते हो, क्योंकि आपको ये पता है कि मोल जो होता है आपका हमारा वो क्या होता है गिवन मास बाय मोलर मास का रेशियो होता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं डब्ल्यू टू बाय क्या होगा एम टू। अगर आप बोलो डब्ल्यू टू को हम किससे डिनोट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, और ये आपके पास एम टू जो वो क्या होगा हमारा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, क्लियर है बच्चों। तो नाउ वी पुट n2 इक्वल टू, यहां पे अगर आप इसको पुट करते हो तो w2 बाय क्या होगा m2 होगा इनटू 1000 बाय क्या होगा हमारा वॉल्यूम इन ml, क्लियर है। तो ये जो फॉर्मूला है आपका वो मोस्ट ऑफ केसेस ज्यादातर यूजेस होते हैं क्वेश्चंस में। तो ये मोलारिटी का आपका क्या फॉर्मूला होगा अगर मोल्स के टर्म्स में है, तो आपने देखा कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स इनटू 1000 अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में है, तो अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में है तो वही वी हैव टू यूज मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, अगर ml में है तो वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, अगर आपके पास क्वेश्चंस में डाटा मास में है तो हमें इस फॉर्मूला को यूज करना है। अगर एक एग्जांपल देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन जेई मेंस में जनरली पूछे जाते हैं, तो आप सपोज करो कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि 4 ग्राम ऑफ NaOH इसका आपका एडेड इनका आपका 400 ml ऑफ का हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपसे पूछ लेगा यहाँ पे कि क्या बताना आपको कैलकुलेट का आपका देयर मोलारिटी, मोलारिटी इसकी क्या होगी। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे कि आपके पास जो टर्म्स हैं वो क्या आपका कि 4 ग्राम ऑफ NaOH का आपका सॉल्यूट्स है, और सॉल्यूट्स किस टर्म में आपका मास के टर्म्स में, और ये क्या आपका हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आपका हमारा यहाँ पे 400 ml है। तो आपने मोलारिटी की जो फॉर्मूला यूज अभी करा था वो यही था डब्ल्यू टू बाई एम टू इंटू 1000 भाई क्या होगा आपको हमारा वॉल्यूम इन ml। तो अगर अकॉर्डिंग टू दैट आपको पता है कि w2 क्या होगा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट्स और m2 क्या होगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट्स, v जो है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, इसमें है आपका ml में, तो ये क्या होगा आपके पास w2 हो गया, ये हमारे पास वॉल्यूम हो गया, और m2 आपको निकालना है, तो m2 क्या होता आपका NaOH है हमारे पास। तो मॉलिक्यूलर मास आपको पता है कि मॉलिक्यूलर मास जब भी कैलकुलेट करोगे तो मॉलिक्यूलर मास होता क्या है सम ऑफ एटॉमिक मास प्रेजेंट इन क्या आपका हमारा मॉलिक्यूल्स। तो अगर आप अकॉर्डिंग टू दैट देखो तो 23 प्लस 16 प्लस 1 तो क्या होगा हमारा 40 ग्राम पर मोल। तो मोलारिटी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो डब्ल्यू टू क्या आपका हमारा 4 ग्राम है, 4 ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाई आपका क्या होगा 40 ग्राम पर मोल इंटू क्या होगा आपका हमारा 400। सो आप इसको सॉल्व करो 1/3 आ जाएगा आपका, अगर हमने इसको इस जीरो से इसको काट दिया इस दोनों से इसको काट दिया तो क्या होगा आपका 1/4 मोल पर लीटर, या इसको आप लिख सकते हो 2.5 m का आपका हमारा सॉल्यूशन। सो बच्चों
कुछ नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में, सिंपल सा आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला आप यूज करो एंड आप क्या कर सकते हो, मोलारिटी कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है? अब देखो क्या है कि एक बेसिक कंसेप्ट है जो हम लोग पहले से भी जानते होंगे आप, और अगर जो नहीं जानते उसके लिए आप देखो यहाँ पे कि आपने पढ़ा कि डेंसिटी जो होता है आपका, वो डेंसिटी क्या होता है आपका। डेंसिटी की जब बात करते हैं तो डेंसिटी मास ऑफ सॉल्यूशन बाय क्या होगा आपका, हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही होता है आपका डेंसिटी। कुछ लोग मोलैरिटी में डेंसिटी का यूज करते हैं, क्या आपका कुछ लोग मोलैरिटी में डेंसिटी का यूज करेंगे कि कैपिटल एम जो होता है आपका वो क्या होगा, डब्ल्यू टू इंटू थाउजेंड बाई एम टू इंटू क्या होगा बी, ये क्या आपका हमारा एम एल में। अब तो अगर हम बात करें यहां पे किसकी बात करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन की, किसकी, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो आपका होगा वो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ क्या होगा, सॉल्वेंट होगा बेटा। मास ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब क्या है, सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट्स होंगे और क्या होगा, सॉल्वेंट्स होंगे, तो इन दोनों के मास को ऐड करो, वी गेट द मास ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां पे देखो कि अगर हमने यहां पे देखा तो क्या आपका कि जो डब्ल्यू टू है हमारा वो क्या आपका हमारा मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूट, और कौन सी मास है, आपका गिवन मास ऑफ सॉल्यूट है। तो अब देखो सपोज करो कि अगर हम डेंसिटी की बात करें तो ये क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम है। तो कुछ लोग क्या करेंगे कि ये W2 को और इसको V को रिप्लेस करके यहां पे क्या लिख देगा, M इक्वल टू B इंटू थाउजेंड बाई M2। ये जो आपका फॉर्मूला है वो आपको हर एक केस में ये सही नहीं है, ये आपको ये जो फॉर्मूला है आपका ये आपके पास हर एक केस में सही नहीं है। आप बोलो क्यों, क्योंकि आप सपोज करो, मान लो कि मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया यहां पे कि आपके पास 18 ग्राम को आप हटाओ, 18% का आपका हमारा डब्ल्यू बाई डब्ल्यू क्या आपका हमारा ग्लूकोज सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन। आगे मैंने आपको दे रखा है कि कैलकुलेट क्या आपका, कैलकुलेट देयर मोलारिटी, कैलकुलेट क्या करना है आपको, मोलारिटी कैलकुलेट करना है, एंड द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, एंड देखा आपका डेंसिटी जो होगी आपके पास, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर एमएल। तो क्या आप इस केस में ये फॉर्मूला आप यूज करोगे डेंसिटी का, तो आई विल मेक श्योर आपका आंसर गलत आएगा, क्योंकि आप देखो यहां पे कि डेंसिटी जब आप यूज करोगे, कब यूज करोगे, देखो क्योंकि मैंने आपको पहले बता रखा था कि सॉल्यूशंस को हम लोग तीन टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, मास बाय मास, या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, या हमारा क्या होगा मास बाय वॉल्यूम। तो आप डेंसिटी कब यूज कर सकते हो, डब्ल्यू टू बाय वी आप तभी यूज कर सकते हो जब आपका सॉल्यूशन क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम में होगा। अगर आप इस केस में, अगर आप यहां पे देखो, इस केस में अगर आप देखो इस क्वेश्चन में, तो यहां पे हमने डब्ल्यू बाय डब्ल्यू दिया, मतलब मास बाय मास। अगर आप यहां पे डेंसिटी की यूज करोगे तो क्या होगा, आपके आंसर्स गलत आएंगे। आप चाहो तो देखो नेक्स्ट स्लाइड्स में हम इसको सॉल्व करते हैं। आपको मैंने ये बोला था 18% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू का आपका हमारा ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो अब 18% का मतलब ये हो गया कि आपके पास ये आपका ग्लूकोज अगर 18% है, क्या आपका हमारा ग्लूकोज 18% है, तो ये कितना होगा हमारा यहाँ पे, अब देखो तो 82% वाटर होगा। That means कि आपके पास सॉल्यूशन में हमने मास बाय मास के टर्म्स में बात करी, तो 18% दैट क्या होगा आपका 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, और ये क्या होगा हमारा 82 ग्राम ऑफ क्या होगा वाटर। क्लियर है? अब यहां पे ये तो आपका डब्ल्यू टू हो गया, लेकिन आप अगर इसको वॉल्यूम मानोगे तो गलत हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है आपका, कि मॉलिकुलर मास एम टू तो आ जाएगा, ग्लूकोज है तो C6H12O6 होगा, इसको सॉल्व करोगे 180 ग्राम पर मोल आ जाएंगे आपके। ठीक है? अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आया होता है कि सर वॉल्यूम कैसे आएगा, तो आपने पढ़ा था कि डेंसिटी क्या होता है आपका, मास ऑफ सॉल्यूशन बाई क्या होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो
केस में अगर आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो क्या करोगे, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है, आपने इसको देखा कि आपके पास यहाँ पे क्या आपका ये 82 है और ये क्या आपका हमारा 18 है, इनको ऐड करो तो ऐसे केस में क्या होता है आपका 100 बाय क्या होगा 1.25, पॉइंट हटा दो ऊपर 100 हो जाएगा, इसको हम लोग 4 लिख सकते हैं, इसको 5, इसको काट दो तो क्या होगा आपका 20, तो वी गेट 80 ml ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे क्या आपका हमारा 82 है, तो देयर हैविंग सम डिफरेंस इन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। व्हाई इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन अगर आप इसको डायरेक्ट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मानते हो तो गलत हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करोगे, ऐसे केसेस में आपने मोलारिटी जो निकालना था वो क्या था, W2 into 1000 by M2 into क्या आपका वॉल्यूम इन ml। तो आपके पास W2 क्या आपका, इस क्वेश्चन में आप देखो तो W2 18 ग्राम है आपका, दिस इज योर 180 एंड ये 1000 हो गया आपका और ये 80 हो गया, इसको काट दो 10 आ जाएंगे नीचे, ठीक है, दो जीरो से आप इसको हटा दो तो ये क्या होगा 10/8, दैट मींस 1.25 कैपिटल एम क्या होगा मोल पर लीटर। तो बेटे देखो ऐसे क्वेश्चंस के केसेस के लिए आपको क्या करना होगा कि आप यहां पे डेंसिटी से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना होगा, क्योंकि ये आपका मास बाय मास टर्म है, तो मास बाय मास टर्म्स में हमारे पास सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट दोनों क्या होंगे, मास के टर्म्स में होंगे। तो इस केस में क्या आपका मास ऑफ सॉल्यूशन आपका अप्रोक्सीमेटली 100 ग्राम ही आएगा, क्योंकि ये जितने परसेंट होंगे उतने ग्राम होंगे और ये भी जितना परसेंट होगा उतना ही ग्राम होगा, इन टोटल को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 100 मिलेगा, और 100 को आप डेंसिटी से डिवाइड करो वी गेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एंड वॉल्यूम को हमें यहाँ पे यूज करना है एंड वी गेट द क्या आपका मोलारिटी। अब सपोज करो यहाँ पे कि आपके पास कुछ क्वेश्चन ऐसे हो कि 20% मास बाय वॉल्यूम क्या होगा आपका हमारा वॉल्यूम ऑफ क्या आपका NaOH सॉल्यूशन। तो क्वेश्चंस दे रखा है आपको कि क्या करना है आपको, कैलकुलेट देयर मोलारिटी। तो अब ऐसे केस में मोलारिटी आप कैसे यूज करोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे, तो बेटा देखो यहां पे कि अगर ये 20% दे रखा आपका क्या आपका हमारा मास बाय वॉल्यूम, तो आपने पढ़ा था मास बाय वॉल्यूम में कि अगर ये 20% हमारा मास बाय वॉल्यूम आपका NaOH सॉल्यूशन है, NaOH का आपका सॉल्यूशन है, दैट मींस कि आपने जब मास बाय वॉल्यूम पढ़ा था पिछले क्लास में तो मैंने ये बताया था मास बाय वॉल्यूम टर्म्स क्या है कि मास ऑफ सॉल्यूट्स दैट कैन बी डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो ये अगर आपका 20% है तो ये वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्यूशन होगा यहां पे वो क्या होगा आपका हमारा 100 ml होगा, ये फिक्स होगा। तो अगर ये 20% से दैट मींस क्या होगा आपका 20 ग्राम, तो 20 ग्राम क्या होगा आपका W2 हो गया, और अभी आपको मोलर मास निकालना है NaOH का तो इसकी वेट क्या होती 40 ग्राम पर मोल होता है, सम ऑफ एटॉमिक मास करके देख लो। तो इन दैट केस अगर आप मोलारिटी यूज करते हो, क्या करते हो मोलारिटी अगर कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा आपका W2/M2 × 1000 क्या होगा हमारा वॉल्यूम इन ml। तो ऐसे केसेस में क्या हो सकता है बेटा कि यहाँ पे ये 20 है और ये क्या आपका 40 है, और ये क्या आपका हमारा 1000 है और ये आपका 100 ml दे रखा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आप सॉल्व कर लो, ये कट जाएगा यहां से, ये 2 आ जाएंगे, तो अराउंड अराउंड क्या होगा आपका हमारा 5 ml आ जाएगा सॉल्यूशन, मतलब 5 ml का मतलब क्या होगा 5 mol/L। इधर क्लियर? सो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब इसे सपोज करो कि मानो कि अगर आपके पास क्वेश्चंस ये दे रखा हो कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम टर्म्स में दे रखा हो और आपसे पूछ ले कि भाई इसकी क्या होगी हमारे पास मोलारिटी, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम टर्म्स में अगर हमने देखा तो आप सपोज करो यहां पे कि मोलारिटी जो है हमारा यहां पे वो क्या होगा
देखा है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। क्योंकि क्या होगा हमारा इन लीटर में होगा। तो अगर आपका जब भी अगर आपके पास मास बाय डब्ल्यू परसेंट है तो इसके केस में आप डेंसिटी यूज नहीं कर सकते। क्या कर सकते आप? डेंसिटी डायरेक्ट आप यूज नहीं कर सकते। अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो इस केस में भी आप डेंसिटी यूज नहीं कर सकते आप। अगर मास बाय वॉल्यूम है तो इस केस में आप डायरेक्टली डेंसिटी यूज कर सकते। तो बेटा अगर जब भी क्वेश्चन मास बाय वॉल्यूम है तब आप डेंसिटी यूज कर सकते हो फॉर्मूला में, अदरवाइज आपका वेट बाय वेट है, मास बाय मास है, या आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, इस केस में आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो डेंसिटी। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे सपोज करो कि अगर आपकी आप जब क्लास 12th में या 11th में आप टाइट्रेशन करते होगे तो आपसे कई बार पूछा जाता है M/20 मोहर का आपका हमारा मोहर्स सॉल्ट सॉल्यूशन है, इनका आपका हमारा इन 100 ml इन 100 ml। तो आपके टीचर्स जनरली इसके क्वेश्चन आस्क करेंगे प्रैक्टिकल में कि भाई M/20 में आपने मोहर सॉल्ट्स कितना वे करा था, कितना वेट ऑफ मोहर सॉल्ट्स आपने लिया था M/20 सॉल्यूशन मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन बनाने में, इनका आपका 100 ml। तो देखो ऐसे केस में आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे सिंपल सा क्या आपका मोलारिटी क्या होता है W2 × 1000 बाई क्या होगा आपका M2 × क्या होगा हमारे यहाँ पे वॉल्यूम इन ml। तो ये जो आपका हमारा दे रखा वो वॉल्यूम दे रखा, क्लियर है। अब जो हमारा मोहर सॉल्ट होता है आपका मोहर सॉल्ट, इसको हम लोग बोलते हैं Fe(SO4)NH4)2SO4.6H2 फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट डॉट क्या आपका हमारा 6H2O। इनकी जो मोलर मास होगी वो क्या होगी आपका 392 g/mol। तो ऐसे केस में जब आपको टीचर बोले कि M/20 है तो वी हैव टू यूज 1/20 W2 392 × क्या होगा आपका 1000 × 100 आप लोग ये कट जाएगा, ठीक है। अब इसको जब आप रीअरेंज करोगे तो W2 = क्या होगा 392 / 200। अब इसको 2 से गार्ड पे ये 10 आ जाएगा और ये क्या होगा 196 / 100। That means आपको कितना लेना था मोहर सॉल्ट का वेट 1.96 g आपको वे करना है मोहर सॉल्ट। आई होप बेटा ये सारा का सारा क्लियर है आपको। अब तो मोलारिटी में जनरली क्या होता है कि कई बार आप टाइट्रेशन जब आप यूज करते हो तो एक फॉर्मूला आप यूज करोगे M1V1 = M2V2, ठीक है। कि अब सपोज करो यहाँ पे अगर दे रखा है कि आप इस तरह के क्वेश्चन दे रखा है आपका 0.5 mHcl जो आपका सॉल्यूशन, या दे रखा होगा 25 ml ऑफ 0.5 mHcl सॉल्यूशन और क्या आपका टाइट्रेटेड अगेंस्ट 500 ml ऑफ NaOH। तो पूछ सकता है आपसे कि कैलकुलेट क्या आपका कैलकुलेट मोलारिटी। तो ऐसे केसेस में आप क्या यूज कर सकते हो यहाँ पे जो फॉर्मूला आप यूज करोगे वो क्या होगा आपका हमारा M1V1 = M2V2, क्लियर। तो M1V1 = क्या होगा आपका हमारा M2V2। तो ये क्या होगा आपके पास V1 हो गया, ये आपका M1 हो गया, यहाँ पे दिस इज योर V2 और M2 आपको फाइंड आउट करना है। तो ये क्या होगा 0.5 m × 25 ml = M2 × क्या होगा आपका 500 ml। सो अगर आप इसको सॉल्व करते हो M2 निकालोगे तो क्या होगा आपका 0.5 × 25 y क्या होगा आपका हमारा 500। अब इसे आप हटा दो नीचे आपका 10 आ जाएगा, ये 100 आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका हमारा 0.025 हमारा एम क्या हो जाएगा मोलारिटी ऑफ का आपका एनिमल सॉल्यूशन हो जाएगा, क्लियर है बेटा। आपको इस तरह के क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिंपल सा यूज करना है कि आपका M1V1 = क्या आपका हमारा M2V2।
अब अगर आप देखो मोलारिटी का जो हम जनरली जो फॉर्मूला यूज करते हैं कि मोलारिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन, तो इसके केस में आप m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय क्या करोगे p1 प्लस v2 करोगे। क्लियर आपको? आप सपोज करो यहां पे आपका दे रखा हो कि 25 ml ऑफ, अब देखो यहां पे अगर ऐसे क्वेश्चन दे रखा कि 25 ml ऑफ 0.5 m NaOH इज आपका रिएक्टेड विद 25 ml ऑफ 25 ml ऑफ 1.5 m HCl, तो क्या पूछ सकता है आपको कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ रिजल्टिंग का आपका मिक्सर, जो हमारे पास रिजल्टिंग मिक्सर्स हैं उसके मोलारिटी क्या होगी। तो अब क्या करो यहाँ पे आपको सिंपल सा मैंने पीछे बता रखा है कि कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करने, क्या रिजल्टिंग मिक्सर्स के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करोगे m1 v1 plus m2 v2 divided by v1 plus v2। तो अगर आप इस सॉल्यूशन का रिजल्टिंग मिक्सर का अगर मोलारिटी निकालोगे तो ये क्या होगा 0.5 into 25 plus 1.5 into क्या आपका हमारा 25 divided by क्या होगा आपका हमारा 25 plus 25, क्योंकि दोनों का सेम है। अब इसमें से अगर आप देखो तो 25 कॉमन ऊपर से ले लोगे तो 0.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय क्या होगा आपका 50 हो जाएगा, इसको काट दो ये 2 हो जाएगा, ये क्या होगा आपका 2/2, दिस इज योर 1 एम ऑफ तथा आपका हमारा रिजल्टिंग मिक्सर ऑफ सॉल्यूशन मिले। क्लियर? अब देखो यहाँ पे कि कई बार आपसे टीचर ये पूछते हैं कि विच वन इज द बेटर टर्म टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये जनरल वाइवा का क्वेश्चन है कि आपसे क्लास 11 या 12 में आपसे पैकेशंस में ये पूछा जा सकता है कि विच वन इज द बेटर टर्म टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारा ये आंसर होता है मोलारिटी, नॉट मोलारिटी। तो मोलारिटी क्यों नहीं होता इसके बारे में अपने को समझना है कि व्हाई मोलारिटी इज नॉट बेटर टर्म टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये हमें ये देखना है आपको कि व्हाई मोलारिटी इज Not better term, not का better terms to express the concentration of solution। तो सबसे पहला चीज जब आप मोलारिटी को डिफाइन करते हो तो आपने क्या बोला था एन टू बाई वी, ठीक है। मोलारिटी जो टर्म्स है हमारा वो क्या आपका मोलारिटी जो टर्म्स है वो एक्सप्रेस करता आपका मास बाय वॉल्यूम टर्म्स को, मास बाय वॉल्यूम टर्म्स को। तो ये जो आपने देखा कि हमारा जो n2 होगा मास ऑफ सॉल्यूट्स, मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स जो आपका वो मास बाय का आपका गिवन मास बाय मोलर मास का रेशियो है, तो ये हमारा क्या होता है आपका फिक्स होता है, क्या होता है आपका फिक्स होता है। क्लियर है? कहीं ना कहीं मोलारिटी जो होगा आपका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, ठीक है। अब आप देखो क्या है कि मोलारिटी के बारे में ये बोला जाता है कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स है, टेम्परेचर क्या होगा आपका हमारा डिपेंडेंट टर्म्स होता है, क्या होता है आपका मोलारिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म होता है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स ये क्यों है, क्योंकि यहां पे आप क्या यूज कर रहे हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आपको पता है कि अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन देखें तो टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब क्यों? क्योंकि आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि एक टर्म्स होता है एवोपरेशन, एवोपरेशन जो टर्म्स है हमारा एवोपरेशन उसमें क्या होता है आपका कि लिक्विड्स जो होंगे आपका विल वेपोराइज बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। लिक्विड्स जो होगा आपका वो हमारा वेपोराइज हो जाता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट्स। आप सपोज करो कि अगर हम वाटर सॉल्वेंट लेते हैं तो वाटर की बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। कभी भी हमारी अर्थ की टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तो नहीं होती, फिर भी आप क्या देखते हो जब आप कपड़े धोते हो पानी से धोते हो तो वहां पे क्या देखते हो कि क्लोथ जो होता है ड्राई हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो प्रोसेस होता है हमारा वो एवोपरेशन होता है, क्योंकि एवोपरेशन लिक्विड्स के टर्म्स में आप देखोगे तो लिक्विड्स जो होगा वो क्या होगा आपका वेपराइज हो जाएगा बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? तो अब देखो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा डिक्रीज होगा, अगर वॉल्यूम आपकी डिक्रीज होती है तो मोलारिटी क्या होगी
इंक्रीज होगी। सिंपल सा है, अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर वॉल्यूम अगर आप डिक्रीज करोगे मोलारिटी इंक्रीज होगा। जैसे सपोज करो कि अगर हम जब टाइट्रेशन करते हैं लैब में तो जनरली मई जून ऐसे टाइम पे हम टाइट्रेशन कर लेते हैं सेशन के स्टार्टिंग में, तो वहां पे जो टेम्परेचर होता है वो कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। और जब हमारा फाइनल एग्जाम आता है तो फाइनल एग्जाम की जो आपकी प्रैक्टिकल होगी वो फरवरी में या जनवरी में होती है, वहां की टेम्परेचर क्या होती है कुछ और होती है। तो अब ऐसे केसेस में जो आपने जनवरी में जो आप टाइट्रेशन करोगे और जो आपने पहले कर रखे हैं उन दोनों की वैल्यू में डिफरेंस आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं ये टेम्परेचर जो है हमारा वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जब टेम्परेचर चेंज होगा तो दैट मीन्स क्या होगा, आपका हमारा मोलारिटी चेंज होगी। टेम्परेचर का रिलेशन वॉल्यूम का बता रखा है मैंने आपको कि टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, हमारा वॉल्यूम है। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वॉल्यूम क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा। अगर वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो हमारा क्या होगा, मोलारिटी क्या होगी, इसकी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर बच्चों? सो इट इज नॉट बेटर टर्म टू एक्सप्रेस द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स है एंड क्या आपका मास मास इंडिपेंडेंट टर्म है। मास का आपका इंडिपेंडेंट का आपका हमारा टर्म्स होता है। क्लियर है? आई होप सो कुछ आपको अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ तो समझ में आ रखी होगी आपको मोलारिटी के बारे में, या कुछ पहले से आपको आता होगा, कुछ और बेटर हो गया होगा। सो बेटा आप नेक्स्ट लेक्चर में अपन जब मिलेंगे तो मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी एंड फॉर्मेलिटी इन तीनों टॉपिक्स पे अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर है?